सो गाइस, जो हमारा बेसिक व्हाइट स्नीकर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। बट हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा स्नीकर है जो कस्टमाइज होने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो गाइस, आर यू रेडी? और अगर आप रेडी हो तो वीडियो को एंड तक देखना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। तो व्लॉग गाइस, और आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं डी आई वाई स्नीकर्स को कस्टमाइज करने वाले हैं गाइस। और बहुत ईजी है, इजिली डू इट, इट विल हार्डली टेक लाइक 5 to 10 minutes। तो गाइस, आपको क्या करना है वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को एंड में देख के कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। आपने वहां तक देख लिया होगा, मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी आप शूज कर रहे हो, जो भी शूज आप कस्टमाइज कर रहे हो, लाइक मैं वाइट स्नीकर कर रहा हूँ, उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है, उसके लेस निकालने हैं, उसके बाद आपको उसको एक सरफेस पे रखना है। और जहां भी आप रखोगे गाइस, वहां पे कुछ आप यूज कर लेना, न्यूज पेपर रख लेना, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्प्रिंकल पेंट ऑन इट। तो आप पेंट डालने वाले हैं उसके ऊपर। गाइस, पेंट आप लोग पूछोगे कहाँ से मिलेगा, तो इस पेंट आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा 20 rupees का, तो और 20 या 25 rupees का मिल जाएगा। और आपको एक ब्रश लेना है, पेंटिंग ब्रश ले लेना, वो 10 rupees का आएगा। तो पेंट को आपको क्या करना है, ब्रश को पेंट में डिप करके इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल करने के बाद गाइस, जो आपका शूज है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। सो गाइस, लेट मी नो आपको कैसा लगा DIY। अगर आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताना, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस, लाइक आई विल बी अपलोडिंग वीडियो एवरी सैटरडे और संडे। सो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक हैव अ गुड डे, बी सेफ, स्टे एट होम।